देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री आज 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए वहाँ क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक खुली गाड़ी में वहां से बाहर निकले, जहां लोगों द्वारा फूल बरसाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी जा तालाब गंजारी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का एक महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान यहां काशी में है। उन्होंने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। स्टेडियम का उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए ये क्रिकेट स्टेडियम वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई है, उन्हें देखकर हर काशीवासी गदगद हो गया है। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है, दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रहे हैं, तो जब मैच बढ़ेंगे तो नए स्टेडियमों की ज़रूरत भी बढ़ेगी, तो बनारस का ये स्टेडियम भी इन ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस स्टेडियम के पूरा होने पर 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठकर मैच देख पाएंगे। इसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम ने आगे कहा कि काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां हुए बदलाव का साक्षी भी बना हूं। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है, उसकी जानकारी भी मुझे मिलती रहती है। हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सिगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है, वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस, रोजगार और उनके करियर से जोड़ा है। इस दौरान मंच पर सचिन तेंदुलकर, रोजर बिन्नी, सुनील गावस्कर, कपिल देव और जय शाह सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज होने जा रहे इन कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। इन परियोजनाओं से वाराणसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में और तेजी आएगी। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच चुके हैं। वहां पे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। साथ ही वो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब जो देश का मिजाज है, ऐसे में जो खेलेगा वही खेलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए ये स्टेडियम वरदान साबित होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।